इज इट इजियर टू पुल या पुश, ये क्वेश्चन आएगा। दो लाइन में कहानी मत लिखना, इट इज इजियर टू पुल देन पुश बिकॉज फ्रिक्शन एक में ज्यादा एक में कम। प्लीज मैथमेटिकली मैथमेटिकली बनाना है तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, पुश का। पुश के एग्जाम्पल में आपने एक डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में आपने, ये एक डायग्राम है ठीक, एक डायग्राम है और इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसे क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ये लो, ये कुछ ऐसा डायग्राम है, सेंटर तक मशीन लगी हुई है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वेक्टर ड्रॉ करना। जब मैं इसे पुश करता हूँ तो वेक्टर हैंडल पे ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा ताकि आगे जाए। तो ये जो हैंडल है इसमें जो आपने फोर्स लगाई, जो आपने मान लो फोर्स लगाई, वो कैसे लगाई, पुश में ऐसे लगाई, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से। देखो तो इसमें जो एंगल है वो आपने क्या लिया, ये रहा मान लो एक्स एक्सिस, ये रहा। तो आपको ये एंगल क्या लेने को कहा गया, थीटा। तो आपने थीटा एंगल पर क्या लगाई, फोर्स लगाई। कोई डाउट इसमें, ठीक है, ये डायग्राम बनाना है आपने। तो ये फोर्स लगाई, पहले समझना है, बनाएंगे बाद में, आपको दो मिनट दूंगा बनाना है आपने, ठीक है। अब होगा क्या, इसका जो वेट है वो कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और बदले में नॉर्मल रिएक्शन कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली अपवर्ड्स इन। ये भी क्लियर है यहां तक। इसके अंदर ये जो है फोर्स है। अब इसके क्या ड्रॉ करेंगे, कॉम्पोनेंट्स। अब कंपोनेंट ड्रॉ करने में कई लोग कहेंगे ये एफ है, ये एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे आप, ये एफ है। आप एक काम करें, इसको ना थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा कर सकते हैं। ये रहा फैक्टर, डायरेक्शन थोड़ा खत्म हुई, पूरा वेक्टर एफ। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या है, ये भी थीटा है। एफ के दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे, पहला कॉम्पोनेंट यहां आएगा और दूसरा कॉम्पोनेंट नीचे आएगा। तो एक कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और एक क्या आएगा, एफ साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहां पर, एन। ठीक है यहां तक, राइट। तो अब ये बताएं कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, क्योंकि ऊपर की फोर्स एन है और नीचे की फोर्सेस क्या है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अब इसके अंदर जैसे ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, इसके अंदर एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू, वेट डब्ल्यू एम जी की बात है। तो यहां तक क्लियर है। आप क्या कर रहे हैं, पुश का केस कर रहे हैं। तो पुश के अंदर ये फिगर बनी और ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। जब आप इसको आगे लेके जाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू टाइम्स एम जी प्लस F साइन थीटा, ठीक है यहां तक क्लियर है। अब ये याद रखना आपने क्या वैल्यू इसमें कंसिडर की। एक काम करते हैं, सेम डायग्राम बनाते हैं अब किसके लिए, ये क्या था, पुश। अब हम क्या करेंगे, पुल। पुल के अंदर भी सेम डायग्राम बनाएं। ये आपने एक डायग्राम इसमें ड्रॉ किया, ये रहा, ये रहा, मैं ही बना देता हूं और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें आप इसे क्या कर रहे हैं, पुल। तो ये रहा सेंटर, तो जो फोर्स बनेगी वो कैसी बनेगी, वो ऐसे बनेगी, कितनी, एफ वेक्टर, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस। इसने भी एक्स के साथ एंगल थीटा बनाया था, इसने भी थीटा एक्स के साथ बनाया। इसका जो वेट है वो कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, अपवर्ड्स। तो इसके अंदर ये वेट है। अब बताएं ये जो एफ फोर्स है इसके क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट एफ के साथ यहां पे होगा, कितना, एफ कॉस थीटा, और दूसरा एफ साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, ये क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। तो अब नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्या होगा, एन प्लस एफ साइन थीटा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू
डाउनवर्ड फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ऐसे जब आपने इसे क्या किया था, पुश, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी, जब आपने क्या किया, पुल, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसमें ज्यादा किसमें कम, इसके अंदर पुश में ज्यादा प्लस है इसमें, और पुल में कम माइनस है इसमें, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके इसमें कम लगेगी, तो इट इज इजियर टू पुल, इट इज इजियर टू पुल देन पुश। तो समझ में आ रहा है यहां तक कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन डायग्राम को अपनी कॉपी में अभी ड्रॉ करो, पहले देखो और बिना देखे ड्रॉ करो, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कैलकुलेट करो, इंपॉर्टेंट डायग्राम है।